आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूके 888 की स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित हुए छात्रों को सरकार से बड़ी राहत मिल चुकी है। सरकार ने चयनित युवाओं के भविष्य को देखते हुए परीक्षा रद्द करने से मना कर दिया है। भर्ती घोटाले की जांच एसटीएफ कर रही है और अब तक इस मामले में 35 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार का मानना है कि एसटीएफ ऐसे युवाओं का भी पता लगाएगी जिन्होंने पैसे देकर पेपर पाए और उनका चयन हुआ। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर किया जाएगा, जबकि ईमानदारी से पास हुए युवाओं को सरकार नियुक्ति देगी। सरकार के इस फैसले का चयनित युवाओं ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा किया है। सुनिए क्या बोले हैं चयनित युवा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने लंबे संघर्ष से, कई सालों की मेहनत से जिस बच्चे ने इस स्नातक स्तरीय परीक्षा में अपना स्थान बनाया है, उनके लिए एक न्यायोचित न्याय का आश्वासन दिया है। कहा है कि जिस भी ईमानदार व्यक्ति का, मेहनती परिश्रमी छात्र का इस परीक्षा में चयन हुआ है, उसका हम अहित नहीं करेंगे, उनको निसंदेह ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और मेरे जैसे और भी जिन भाइयों का ईमानदारी से इस परीक्षा में चयन हुआ है, उनकी तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिन्होंने ईमानदारी से चयनित युवाओं को नियुक्ति देने का भरोसा दिया है और लगातार वो किसी भी मंच पे जहाँ भी उद्बोधन करते हैं वहाँ उत्तराखंड के बेटा बेटियों को न्याय मिलेगा, यह उनकी बात में सुनने को मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें राज्य सरकार में सेवाओं का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय पवार है और मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। दोस्तों, मेरा भी चयन वीडियो परीक्षा में हुआ है और मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फाइनली मतलब हम लोगों की पीड़ा समझी, जो भी इसमें चयनित है ईमानदारी से उनकी मानसिक पीड़ा को समझते हुए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो इस परीक्षा को नष्ट नहीं करेंगे और ज्वाइनिंग देंगे और किसी भी ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थी का अहित नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी लोग करते हैं। मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने वीडियो विपीडियो एग्जाम में मेहनती बच्चों को नियुक्ति देने का जो आश्वासन दिया है, उसके लिए मेरी तरफ से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो अपना व्यक्तिगत इसमें स्वार्थ देख रहे हैं, जो कुछ नंबरों से फेल हो गए हैं और वो ये चाहते हैं ये एग्जाम दोबारा से हो जाए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ भाई, आपके लिए तो सिर्फ ये एग्जाम है और दोबारा से आप इस परीक्षा में बैठोगे, सिर्फ आपके लिए इतना ही एक मुद्दा है। लेकिन आप ये देखिए, जिस बच्चे ने मेहनत करी है, दिन रात एक करके पढ़ाई करी है, जो इतनी सेंधमारी होने के बाद भी जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, उन बच्चों ने कितनी मेहनत करी होगी। हर आदमी हर समय एक जैसा परिणाम नहीं ला सकता, उन्होंने मेहनत की है तो उनका प्रतिफल उन्हें मिलना चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला हुआ था और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, अमर उजाला के माध्यम से भी उन्होंने बोला कि जो किसी भी परीक्षा में अपनी मेहनत और ईमानदारी से चयनित छात्र हैं उनके साथ कोई अहित नहीं होगा और उनका जो है उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से चयनित हैं उनके साथ कोई अहित नहीं होना चाहिए।